भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मेलन प्रदर्शनी एवं पुरस्कार समारोह एग्रो वर्ल्ड 2018 का आयोजन किया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनेक आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में कृषि के क्षेत्र में यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन था। देश भर से आए हजारों किसानों ने खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और तकनीकी की जानकारी हासिल की। किसानों ने अपनी खेती को बेहतर बनाने के गुर भी सीखे। इस दौरान मेले में पहुंचे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से हमने खास बातचीत की। आप ही देखिए हमारी रिपोर्ट। कोई भी एक्सपो होता है उसका एक महत्व होता है। एग्रो वर्ल्ड 2018 जो मैंने सारा एग्जीबिशन देखा उससे किसानों को तकनीकी नॉलेज मिलेगा। नॉलेज ट्रांसफर इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी कैसी है और ये टेक्नोलॉजी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और उससे क्या फ़ायदा होना है वो किसान प्रत्यक्ष आके देखें और ये देखने से उसका इम्प्लीमेंटेशन वो करेंगे। फूड प्रोसेसिंग वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इट्स वन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है। कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन सा एग्रीकल्चर फूड्स का यूज़ हो रहा है ये यहाँ प्रत्यक्ष किसान देखे। और जो एक्सपो लगा हुआ है या तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो या तो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए ट्रैक्टर की कंपनी हो या तो कोई मैकेनाइज्ड कंपनी हो उसके साथ किसान बातचीत करके उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने फार्म में कैसे करें और ये करके अपनी इनकम कैसे बढ़ाए उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रीति नीति उसको यहाँ ऐसे एक्सपो में आने से मिलती है। इसलिए मेरी दृष्टि से ये आज का जो इस एक्सपो में मैंने विजिट किया उसके आधार पर मैं अवश्य बता सकता हूँ कि एक्सपो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। फर्टिलाइजर, माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर एल्सो। फर्टिलाइजर का क्रॉप में प्रोडक्शन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने इनिशिएटिव लिया है कि खाद कौन सा डालना है। तो देश में किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र ओपन करके रखा है जहाँ किसान को मार्गदर्शन मिले। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर किसान को पता लगता है कि उनकी सॉइल में कौन सी न्यूट्रिशन है, कौन सी न्यूट्रिशन नहीं है और जो न्यूट्रिशन है वो देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है वो देना है। इस करके खाद का सही तरह से उपयोग होना शुरू हो चुका है और ये सही तरह से उपयोग होने से दो फायदा होगा। किसान का खर्च कम हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही अब जो एक किसान ने डाला वो खाद वो अपने खेत में डालते थे, रिक्वायरमेंट एक बैग की थी, किसान ढाई तीन बैग डालते थे और उससे किसान को भी खर्च लगता था और भारत सरकार की सब्सिडी, एक यूरिया बैग का यूज़ करे किसान तो 750 रुपीज़ भारत सरकार सब्सिडी देती है, एक DAP बैग का यूज़ करे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ करे तो 550 रुपीज़ की सब्सिडी भारत सरकार देती है, तो भारत सरकार की सब्सिडी भी बचेगी, किसान का खर्च भी कम होगा और सॉइल भी बच जाएगी क्योंकि केमिकल्स फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ होने से आवश्यकता के अनुसार ही यूज़ होना चाहिए, उसको आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ होने से सॉइल भी बिगड़ती है। इस दृष्टि से खाद भविष्य में खाद मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। सर, आप क्या किसानों को खाद की समस्या नहीं होती? आज की स्थिति में मैं 100% कह सकता हूँ। मैंने देखा है, मैं गुजरात में काम करता था और गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन था और फर्टिलाइजर की का मैनेजमेंट देखता था। तो किसानों को जब आवश्यकता होती थी तब फर्टिलाइजर नहीं मिलता था, लंबी लाइन लगती थी, कभी पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ता था, कालाबाजारी होती थी। आज हमने फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट इस तरह से किया है कि देश में कोई भी कोने में केमिकल्स फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, किसान जब मांगते हैं तब उसको फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाता है, ये व्यवस्था हमने खड़ी की।